हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। गाइस, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि वियतनाम और इंडिया ने आईटी सेक्टर में बेहतर करने के लिए एक एग्रीमेंट एमओयू साइन किया है। और ये चीजें आपको यहां थंबनेल पे दिख रही होगी, वियतनाम इंडिया और इंडिया वियतनाम साइंस एग्रीमेंट फॉर कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ आईटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया और वियतनाम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें दोनों देशों ने बायलेटरल टॉक किया। बायलेटरल टॉक के बाद इन लोगों ने यह डिसाइड किया है कि वियतनाम और भारत जो है एक साथ आईटी के सेक्टर में आगे काम करेंगे। आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होगी। तो गाइज, छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया का आपको पता ही होगा कि कैपिटल सिटी क्या है, करेंसी क्या है, यहां पे हर एक चीज इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। थोड़ा सा एकदम स्मॉल नॉलेज आपको मैं बताना चाहूंगा वियतनाम का। तो वियतनाम के बारे में याद रखिएगा, राजधानी है इसकी, ये एशियन कंट्री है, राजधानी है इसकी हनोई। मेन सिटी की अगर हम बात करें तो होचीमिन सिटी सबसे बड़ी सिटी है। और ये वियतनाम के एक बहुत बड़े लीडर थे, डॉक्टर होचीमिन के नाम के बाद इसको रखा गया है। उस समय में अगर हम बात करें आज से अप्रोक्स 70 और 80 ईयर्स पहले, तो वियतनाम जो है युद्ध के आग में झुलस रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब उस पर आक्रमण करते हैं वियतनाम में। धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होने के बाद आखिरकार वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिलती है। और इंडिपेंडेंस के बाद वो अपना एक संप्रभु सरकार की बात करें, सोवरिन कंट्री के रूप में बात करें, सोवरिन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट अपना प्रपोज करती है और अपनी एक सरकार बनाती है। अगर इसी चीज की अगर हम बात करें तो वियतनाम की करेंसी में वियतनामी डोंग आ जाती है, और वियतनाम की जो करेंसी है भारत के करेंसी के तुलने में थोड़ा सा कम है। ओके, चलिए नजर डालते हैं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। वियतनाम इंडिया ने जो साइन किया है उसमें एक्चुअली चीजें क्या क्या हुई। अगर आप यहां हाईलाइट्स की बात करेंगे तो आपको यहां पर देखा जा रहा होगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों देश के जो डिप्लोमेट थे, मिनिस्टर्स थे, उन दोनों ने आपस में डिजिटल अर्थव्यवस्था की, अगर हम बात करें डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अपने अपने देशों द्वारा किए गए जितने भी विचार हैं, जितने भी आइडियाज हैं, उन सब पे एक दूसरे को बताए हैं कि हमारी कंट्री की जो सरकार है वो इस तरीके से आगे प्लान कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, आपके देशों में क्या चल रहा है। तो मतलब बायलेटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों साइड से अपने विचारों का लेन देन किया गया, दोनों एक दूसरे के बारे में नॉलेज शेयर किए कि किस तरीके से हम अपने आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो दोनों ने आईसीटी ट्रेड को इनहांस करने की बात की है। इंडिया के डिप्लोमेट जो थे, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पे, और वियतनाम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों ने एक दूसरे से अपना आईसीटी ट्रेड एंड कॉरपोरेशन के बढ़ाने के बारे में बात किया। साथ ही साथ इंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, जो भी व्यापार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उन सब में इन्हांसमेंट कैसा होगा, इनैक्टमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं, और साथ ही साथ और कौन कौन से चीजों को हम अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं, और किस तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट पर किस तरीके से वियतनाम और इंडिया एक साथ आगे लीड कर सकती है, इन सारे मैटर्स पर बात की जाती है। ठीक है, अब यहां से आगे आप चलेंगे तो हाइलाइट्स के बाद आपका आता है मेन पॉइंट। वो है कि आईटी के सेक्टर में एमओयू कॉरपोरेशन का जो भी अपना आता है, जो भी साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये साइन किया गया है, और जिसमें ये बोला गया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के कंपनी हैं, चाहे वो भारत में हो या वियतनाम में हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, आईटी इंफ्रा की बात करें, तो आईटी इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, आईसीटी को बढ़ाने के लिए चाहे तो अपना योगदान कर सकते हैं। उसके लिए भारत की तरफ से वियतनाम के लोगों का वेलकम होगा और वियतनाम की तरफ से भारत के लोगों का वेलकम होगा। जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उन सब के रिगार्डिंग भी बात की गई है कि अगर एक दूसरे देशों में एक दूसरे का एक्सचेंज होता है, यानी यहां से लोग वियतनाम जाते हैं, वियतनाम से लोग यहां आते हैं, तो उनको एक अच्छी पॉलिसी के साथ, अच्छी नीति के साथ उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर सीखने के पर्पस से आ रहे हैं तो सीखने के पर्पस से, अदरवाइज आप अगर वर्किंग के पर्पस से जा रहे हैं तो वर्किंग के पर्पस से। यहां पर दोनों देशों ने एक दूसरे को सक्रिय सहयोग के बारे में बात किया। अब आते हैं हम यहां पे इंडिया वियतनाम के रिलेशन के बारे में। तो एक छोटा सा चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ तो 1954 में यहां पे एक कमीशन बनाई गई थी, इंटरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, ठीक है, आईसीएससी के नाम से एक इंटरनेशनल कमिटी बनाई गई थी। और उस समय चूंकि भारत जस्ट आजाद हुआ था, 3-4 साल 7 साल हो रहे थे 47 के बाद से 1954 में, और यह जेनेवा में इंप्लीमेंट करने की बात हो गई कि जेनेवा का जो एकॉर्ड्स था, जेनेवा एकॉर्ड्स जो था 1954 में बना था, इसको बनाने के बाद जेनेवा एकॉर्ड्स का मतलब था
पर्पस था कि जितने भी वियतनाम में युद्ध हो रहे हैं, वियतनाम में हो रहे युद्धों को रोकने के लिए, अशांति को बचाने के लिए, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, और वहां पे होची मिन जो थे, होची मिन के पास वहां पे जस्ट अभी वियतनाम का इंडिपेंडेंस की सत्ता आने ही वाली थी, उनके हाथों में जाने ही वाली होती है कि ये वहां से दौरा करते हुए, चाइना का दौरा करते हुए होची मिन सिटी पहुंचते हैं और साउथ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम वहां जाने के बाद ये सारी चीजें। और इनके बारे में बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार ऐसा बोले हैं कि होची मिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो वियतनाम के होची मिन सिटी से हमारे पास मिलने के लिए हनोई में आए थे, और इन्होंने बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया कि नहीं, वियतनाम को एक सोवरिन स्टेट के रूप में दर्जा दे दिया जाए। साथ ही साथ होची मिन से मिलने के बाद इन्होंने क्या किया था कि एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया था जब मिलने के बाद, कि सारी चीजों को वहां पे सिमिलरली एंड कर दिया गया है, गृह युद्ध जैसे कोई कारण नहीं बनी है वियतनाम में। तो वहां से धीरे 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 क्या होता है कि जैसे ब्रिटेन में उस समय अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का कोलोनाइजेशन था इंडिया, वैसे ही फ्रांस का कोलोनाइजेशन था आपका वियतनाम। अमेरिका वाले कब्जा करना चाहते थे वहां पे, ब्रिटेन वाले भी चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों को चेंज कर दिया गया और डिफैक्टो कंट्रोल ऑफ फ्रांस जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रांसीसी उपनिवेश, उसका मतलब डिफैक्टो कंट्रोल ऑफ फ्रांस की बात अगर हम करें तो वहां से आपको वियतनाम को निकाला जाता है। और फाइनली अगर हम बात करें तो इंडिया में भी उस समय में पौंडीचेरी की अगर हम बात करें, जो एट प्रेजेंट पुद्दुचेरी हो गया है, उस समय भी हमारे यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश थे, फ्रांसीसी कॉलोनीज के रूप में जाना जाता था। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा 1950 से ही, 1950 का जो चल रहा था यानी 20th century से ही हमारा रिलेशन है वियतनाम के साथ, थोड़ी बहुत कल्चर भी हमारी वहां देखने को मिलती है। और ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का कहना यह है कि हमारे वियतनाम का संबंध जो है, इंडिया वियतनाम का संबंध वो 2nd century से ही चला आ रहा है, क्योंकि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध की बात बारे में अगर बात किया जाए, इकोनॉमिक और कल्चरल के बारे में बात किया जाए रिलेशन के बारे में, तो वहां पर देखने को यह मिलता है कि 2nd century में इंडिक चांपा का जो वहां पे राज्य था वियतनाम में, इंडिक चांपा एक डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी का वहां पे एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य को भारतीय संगीत बहुत प्यारा था। मतलब आप सिंपली यहां पे समझिएगा कि ये जो चांपा साम्राज्य था, उस चांपा साम्राज्य का अगर हम बात करें तो यहां पे इंडियन म्यूजिक के साथ साथ वियतनामी म्यूजिक की अगर हम बात करें, वियतनामी म्यूजिक ज्यादा पसंद था। तो हमारा कल्चरल और इकोनॉमिकल जो अपना रिलेशन है भारत के साथ वियतनाम का, वो 2nd century से चला आ रहा है, ऐसा मानना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे वहां पे तो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है हमारा काफी अच्छा है। काफी अच्छा होने के साथ साथ हम लोगों ने विनिर्माण के सहित डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, साथ ही साथ अपना डेटाबेस शेयर करने के रिगार्डिंग, डेटाबेस जो कि ग्लोबलाइजेशन के मामले में हो, जो व्यापार के रिगार्डिंग जरूरी है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। और साथ ही साथ रक्षा के मामले में, रक्षा के साथ साथ आपका जितना भी IT सेक्टर के मामले में, दोनों देशों के बीच कितने सारे सैन्य एक्सरसाइज हो चुके हैं, सैन्य अभ्यास हो चुके हैं, तो इन सारी चीजों से यहां पे ये देखा जाता है कि भारत और वियतनाम का रिलेशन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ कोई खुफिया जानकारी हमें चाहिए होती है तो हमारे यहाँ से कोई क्राइम करके अगर मान लो कहीं भाग गया है और वहां पे वियतनाम के लोग रह रहे हैं, तो हम खुफिया जानकारी को भी एक दूसरे से शेयर करेंगे। ऐसे इन सारी चीजों के साथ हमारा रिलेशन वियतनाम के साथ रह चुका है। साथ ही साथ जब आप आएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक समझौते के बारे में बात करेंगे, तो जुलाई 2007 में ही रणनीतिक समझौते के रिगार्डिंग हम लोगों ने इस मामले में बात कर लिया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे गुएन तान डुंग, जिन्होंने भारत का दौरा किया था, और भारत के दौरा के बाद ही हम लोगों ने रणनीतिक साझेदारी में भारत की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था कि हर एक चीज को साझा किया जाएगा, यानी चाहे खुफिया हो, रक्षा हो, सौदे का मामला हो, डीलिंग की मामला हो, या ग्लोबल लेवल पे मर्केंडाइज की प्रॉब्लम हो, इन सारी चीजों के बारे में साझा किया जाएगा वियतनाम के साथ। और धीरे धीरे इन सारी चीजों को अपग्रेड कर दिया गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने वियतनाम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन के साथ साथ रिकमेंड किया है, और मोस्ट फेवरेबल कंट्री, ठीक है, मोस्ट फेवरेबल नेशन स्टेटस प्रोवाइड किया गया है वियतनाम को 1975 से ही। ध्यान रखिएगा 1975 से ही मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया है भारत के द्वारा वियतनाम को। तो गाइस इसको समराइज करते हैं थोड़ा सा, तो सिमिलरली आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि वियतनाम की राजधानी, वियतनाम की करेंसी, वियतनाम का फ्लैग, और फ्लैग के बारे में अगर बता दूं तो मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि रेड ब्लॉक्स पे अगर हम बात करें तो गोल्डन स्टार, ठीक है, रेड ब्लॉक्स
मतलब गोल्डन स्टार जो है वो रेड ब्लॉक्स के ऊपर में है, ये वियतनाम का झंडा है, एशियाटिक कंट्री है। साथ ही साथ यहाँ पे रिलेशंस अगर हम बात करें तो इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, जिसका हमें अभी भागीदारी देखने को मिलती है। हमें अभी बहुत सारे सैन्य अभ्यास कर चुके हैं वहां से, और साथ ही साथ 1975 में भारत की सरकार ने वियतनाम को मोस्ट फेवरेट नेशन का एक स्टेटस भी प्रोवाइड कर चुका है। ओके गाइस, वीडियो अवेलेबल होगा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग एक यार वेट करते हैं आपके गेस्चर, ये आप मत समझना कि उस वीडियो से सारी चीजें चेंज होती है, बस आपको वहां पे जाकर के कमेंट करना है कि आप इससे इन्फॉर्म कर रहे हो कि नहीं, आप इससे कुछ गेन कर पा रहे हो कि नहीं। जस्ट एक गेस्चर है YouTube का, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते हैं और आप सबका प्यार जेनिक के साथ बना रहे, बस यही हम लोगों का मेन एक विश रहता है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।